तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसा कि लास्ट जो टॉपिक्स थे आपके, उनमें आपने कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस किए थे, कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, कंट्रीब्यूशन फॉर सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसी के बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स और वाई, और उसको क्यूबिकली स्ट्रक्चर फॉर्म दिया गया है। वेयर वाई एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब इसमें क्या है, आपके पास दो एटम है जिससे आपका क्यूबिक यूनिट सेल बना है, एक एक्स है एक वाई, और उसने मेंशन कर दिया हमें क्या कि वाई वाले जो एटम है, वाई एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। वाई कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एंड एक्स एटम आर एट ऑल्टरनेट फेसेस, एंड जो एक्स एटम है वो आपका प्रेजेंट है एट ऑल्टरनेट फेसेस। एक्स एटम इज एट ऑल्टरनेट फेसेस, एंड जो वाई है आपका वो कहां पर है, कॉर्नर पे। नाउ यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे कि जनरली अगर आपको पता है कि एक कंपाउंड में दो एटम है एक्स और वाई, और उसका फॉर्मूला अगर एक्सप्रेस करना हो तो व्हाट इज फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर हमें एलिमेंट्स की स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे कि देखिए, मैं लिखती हूँ एक्स एंड दिस इज वाई, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि एक्स की जो स्टोइकियोमेट्री है वो ए है एंड वाई की बी है। सो व्हाट इज ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर। यहाँ ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली एटम की, जो आपका पर यूनिट सेल है, क्योंकि आप किसी भी क्रिस्टल के टोटल एटम फॉर्मूले में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज क्रिस्टल के अंदर इनडेफिनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट सेल्स जो रिपीटिंग रिपीटिंग टाइम्स कनेक्ट होते रहते हैं, तो तब जाके आपका एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। इसीलिए हम जो यहाँ फॉर्मूला निकालते हैं उसमें एलिमेंट्स में जो ये आप ए और बी दिखाते हैं, मतलब जो एटम्स आप शो करते हो, वो सिर्फ पर यूनिट सेल के लिए ही एक्सप्लेन किया जाता है, वो पूरे क्रिस्टल के लिए एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो देखिए, पर यूनिट सेल के लिए हम एक्स और वाई के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। अब जैसा कि मेंशन किया गया है कि वाई जो है वो कॉर्नर पे है, एक्स जो है वो ऑल्टरनेट फेसेस पे है। तो क्योंकि वाई कॉर्नर पे है, अब आपको पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं आपके, वी आर हैविंग एट कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स। सो वाई का जो कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है कि कॉर्नर वाला हर एटम कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, अपना आठवां हिस्सा वो यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि एक एटम आठ यूनिट सेल को कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। तो पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8। अब जैसा कि उसने बोला कि वाई वाले हैं वो सारे कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर्स कितने हैं आपके पास, 8। हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। सो पर्टिकुलरली वाई वाले एटम इस यूनिट सेल में कितने हुए, ओनली 1। देखिए, वाई का जो जो टोटल वाई एटम है वो कितने हो गए आपके, 1। एंड योर एक्स एटम है, उसने बोला कि एक्स जो है वो आपके ऑल्टरनेट फेस पे है, ऑल्टरनेट फेस पे एटम कितने हैं, 2। और क्योंकि ये फेस पे आ रहा है तो आपको पता है फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। तो यानी कि फॉर एक्स, एक्स के लिए एटम कितने हैं, 2, और हर एक कंट्रीब्यूट कितना करता है, 1/2। सो एग्जैक्टली एटम ऑफ एक्स इज 1। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो आएगा, इट इज हैविंग रेशियो 1:1। तो फॉर्मूला आ गया आपका x1 y1, सो इट इज xy। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जिसमें हमने ये देखा कि एक क्यूबिक यूनिट सेल है जो x और y से मिलके बना है, जिसमें y जो है वो कॉर्नर पे है एंड x इज प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट फेस। तो ऑल्टरनेट फेस पे आपके दो एटम है, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, सो एक्स एटम्स आर 1, और जो वाई है वो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे टोटल एटम 8 है, हर एक कंट्रीब्यूट करता है 1/8, सो वाई इज ऑल्सो 1 ओवर हियर। तो यहाँ एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या आया, 1:1, सो फॉर्मूला इज x1 y1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर। आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम यू हैव टू कैलकुलेट।
और नंबर ऑफ एटम आपको क्यूबिक यूनिट सेल में कैलकुलेट करने हैं, जिसमें आपको बोला गया है वन एटम ऑन ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे कितने एटम है, एक, ईच कॉर्नर कंटेन वन एटम। दूसरा उसने बोला एंड टू एटम ऑन ईच बॉडी डायगनल, टू एटम ऑन ईच बॉडी डायगनल, टू एटम ऑन ईच बॉडी डायगनल। अब देखो नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, हर एक कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, लेकिन पर यूनिट सेल में कॉर्नर वाले पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो सेम कॉर्नर वाले का तो सेम कंट्रीब्यूशन आएगा 1/8 × 8 विच इज इक्वल टू 1, तो कॉर्नर की तरफ से एटम कितना हो गया, एक। दूसरा आपको बोला गया टू एटम ऑन ईच बॉडी डायगनल। अब आप देखिए कि बॉडी डायगनल आपके कौन से होते हैं, जैसे ये आपका यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में बॉडी डायगनल कौन सा होगा, जब ये वाला एटम इस वाले एटम को इस तरह से कनेक्ट करेगा, दिस इज वन बॉडी डायगनल। इसी तरह से जब ये वाला एटम अपने इस आगे वाले को कनेक्ट करेगा, एक ये बॉडी डायगनल हो गया। इसी तरह से ये वाला एटम और ये वाला एटम, इन दो एटम्स को भी कनेक्ट करेगा, ये वाला इसको कनेक्ट करेगा, ये वाला इसको कनेक्ट करेगा, मतलब आगे के दो, ये जो पीछे वाले दो है नीचे के, उनसे कनेक्ट होंगे, और जो पीछे वाले अपर साइड के ये दो एटम है, ये आगे फ्रंटल साइड के दो एटम से कनेक्ट होंगे। तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में चार, देखिए इस तरफ एक एटम, 1, 2, 3 एंड 4, चार एटम ये हो गए, और इसी तरह से जो दूसरी वाली दीवार है आपके उस पे भी चार एटम्स होंगे। तो वहां पे क्या होगा कि ये वाला जो कोना है वो लास्ट में उस कोने से जाके मिलेगा, दिस इज वन बॉडी डायगनल। इसी तरह से ये वाला जो कॉर्नर है वो उसमें लास्ट नीचे वाले एटम से जाके कनेक्ट करेगा, दिस इज अनदर वन बॉडी डायगनल। तो इस तरह से एक क्यूब में कितने बॉडी डायगनल होंगे आपके, चार। और आपको बोला गया है कि हर बॉडी डायगनल पे एटम कितने हैं, दो। अब आप मुझे बताइए कि जो बॉडी डायगनल है वो आपका क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या वो किसी और यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो उसके अंदर है। देखिए बॉडी डायगनल इस यूनिट सेल के अंदर है। अब जैसे मान लो ये एक यूनिट सेल है, इसमें एटम कितने हैं इस बॉडी डायगनल पे, दो। अब ये दोनों एटम इस क्यूब के अंदर है, तो किसी और यूनिट सेल में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इनका जो नंबर है दैट इज रिमेन सेम, क्योंकि वो नंबर रिमेन सेम है, तो आपके जो बॉडी डायगनल है वो टोटल कितने हैं, चार, और हर बॉडी डायगनल पे एटम कितना है, दो। तो टोटल एटम प्रेजेंट ऑन बॉडी डायगनल कितने हो गए, एट। तो ये एट तो पूरे एट ही रहेंगे, क्योंकि इनका पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन अपने पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए ही है, ये और कहीं कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए आपके बताइए। देखिए कॉर्नर वाला कितना है, वन, क्योंकि कॉर्नर में पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इसीलिए तो वन ही है आपका। लेकिन बॉडी डायगनल में हर बॉडी डायगनल ने दो एटम कंटेन करे, और बॉडी डायगनल का कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में पूरी तरह से परफेक्ट है, तो इसीलिए वहां पर एटम कितने हो गए, एट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स वी आर हैविंग 8 + 1, कितने एटम हो गए आपके पास, 9। क्वेश्चन इज सॉल्व। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी समझ में ना आए तो जिस कमरे कम से कम जब आप एग्जाम दोगे तो कमरे में बैठ के ही दोगे, ऐसे बाहर तो बैठ के दोगे नहीं रोड पे, तो कमरा तो आपके पास होगा, तो समझ लो क्यूब तो आपके पास प्रेजेंट है, तो चीटिंग आप कमरे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बस आपको थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए कि कंट्रीब्यूशन का मतलब का क्या होता है, कोई भी एटम किसी पर्टिकुलर साइड पे प्रेजेंट होता है तो उसका पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और ये बहुत इजी है, इसमें समझने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, अगर आप इनको याद भी कर लोगे तो भी आपकी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कुछ चीजों को याद करने से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ समझने से ही काम चलेगा, तो ये वो वाली चीज है, ना भी समझ आया याद रहा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप समझो तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि अगर मान लो उसने क्वेश्चन घुमा के दे दिया और वो कहीं एज एंड को छोड़ के कहीं और ही एटम प्रेजेंट हुआ,
और फिर अगर आपको फॉर्मूले निकालने के लिए आ गए तो फिर आपको डिफिकल्टी वहाँ पर हो सकती है। बाकी अगर सिंपल सिंपल आया, जैसे कॉर्नर का पता है, कॉर्नर वाला जब भी आएगा तो एटम कितना होगा, एक। फेस में टोटल फेसेस कितने होते हैं, छह। हर फेस कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ। तो ये तो बहुत ईजी है, समझ में भी आ रहा है, याद भी है, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिखो, बार बार उसको कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक कंपाउंड है मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी एंड क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, एक ए है, बी है, दोनों जो है क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें एटम ए आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। अब यहाँ क्या बोला गया कि आपके पास एक एटम है ए, जो कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपका कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। अब मैं आपको पूरी तरह से क्यूब बना के, एटम्स बना के, अब मैं फिर से आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो बार बार बनाने की जरूरत मुझे नहीं है। तो अब आप देखिए, ए एटम जो है वो कॉर्नर पे है और फेस पे है। अब आप सीधा सीधा बता सकते हो, देखिए कॉर्नर पे जो एटम है वो टोटल 8 होते हैं, हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। सो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ड्यू टू कॉर्नर कितने हो गए, 1/8 × 8 = 1। दूसरा उसने बोला ए जो है वो फेस सेंटर पे भी है। अब फेस सेंटर पे टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6, और हर एक फेस कंट्रीब्यूट कितना करता है, हाफ। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम ड्यू टू फेस सेंटर कितने हो गए आपके, 3। तो अब जो ए एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, जो ए वाले एटम यूनिट सेल में प्रेजेंट हैं, वो कितने हो गए आपके, 3 + 1 = 4। और इसी में बोला गया बी एटम भी है, लेकिन जो बी है वो कहां कहां पर प्रेजेंट है, बी इज प्रेजेंट एट द एज सेंटर, और दूसरा कहां पे प्रेजेंट है, वो बॉडी सेंटर। अब देखिए, आपको पता है कि एक क्यूब में एजेस कितनी होती हैं, फटाफट से बताइए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। अब चेक कीजिए, आपको पता है क्यूब के अंदर एजेस कितने होते हैं, 12। तो हर एक एज पे एक एटम रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 12 एटम हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन क्या वो 12 के 12 उस पर्टिकुलर यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से दे रहे हैं, नहीं दे रहे। आपको पता है कोई भी एटम अगर एज पे रखा हुआ होता है तो वो हमेशा 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ इस कमरे में, तो आप देखिए कि यहाँ अगर मान लो मैं इस दीवार के बीचों बीच एक एटम रख दूँ कोने पे, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो इस यूनिट सेल के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, इसके पीछे वाले के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, और ऐसे ही 2 ऊपर वाले के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो एटम तो एक ही है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है, 4, 4 जगह कंट्रीब्यूट करा। तो इस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/4। देखिए, सॉलिड स्टेट में बहुत ज्यादा इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे 3D व्यू चलेगा, 3D पैटर्न चलेगा, जिस जो कि बोर्ड पे इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ उसको ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ समझने की कोशिश कीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि बिना कोशिश करे ही समझ में आ जाए, तब आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो एज सेंटर देखिए, एजेस हो गए 12, हर एक एज ने कंट्रीब्यूट किया 1/4, एंड बॉडी सेंटर आपके कितने, आपको पता है बॉडी पे एक ही एटम होता है और उसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए पूरी तरह से होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 3 और बॉडी का हो गया 1, सो इट इज गोइंग टू बी 4। अब आप देखिए, ए इज टू बी की अगर स्टोइकोमेट्री निकाली जाए तो इट कम्स आउट टू बी 4:4। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A1 B1। जैसे अगर हम उसको लिखे A4 B4, तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ABB तो लिख सकती हूँ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस इसी तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि 2 एटम है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक वहाँ प्रेजेंट है, और दोनों ने ही कोई यहाँ पे प्रेजेंट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे प्रेजेंट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला निकालने के लिए बस आपको क्या क्लियर करना है कि उस यूनिट सेल में वो जो भी AB XY जो भी दिया है, वो एटम टोटल कितने हैं, उसी की स्टोइकोमेट्री आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है।
मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है तीन एलिमेंट्स. अब तक दो दो एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, अब तीन पढ़ेंगे. और इस क्वेश्चन को आप खुद कोशिश करिए करने की. आई थिंक अब आप एबल हैं, शायद ये क्वेश्चन आप खुद कर पाएं. तीन एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक है पी, क्यू एंड आर. तीनों को क्यूबिक सॉलिड लैटिस में क्रिस्टलाइज किया जा रहा है, जिसमें आपको बोला गया है कि जो पी एटम है इट इज प्रेजेंटेड कॉर्नर. मैं आपको लिख के दे रही हूँ, पी, क्यू एंड आर तीन एटम है आपके पास. पी जो है वो आपका कॉर्नर रिप्रेजेंट है. नेक्स्ट क्यू एटम्स एट द क्यूब सेंटर, मतलब जो क्यू जो है वो क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है, मतलब आप बॉडी सेंटर बोल सकते हो, सेंटर पे प्रेजेंट है. एंड आर एटम एट द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब. अब जो आर वाला एटम है वो आपका है फेस सेंटर पे. इट इज सो इजी. अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया है तो आप इसको 2 मिनट नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन को करने में. फटाफट कीजिए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. देखिए, पी जो है वो कॉर्नर पे है, क्यू जो है वो क्यूब के सेंटर पे है, और आर जो है वो फेस सेंटर पे है. अब आपको पता है कॉर्नर में सेम 1/8 × 8, क्योंकि 8 है, हर एक 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका इफेक्टिव एटम आ गया 1. सेम क्यू जो है वो क्यूब के सेंटर में है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है, तो उसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल के लिए पूरी तरह से है, इट विल ऑल्सो गोइंग टू बी 1. और जो आर जो है वो फेस सेंटर पे है, एंड टोटल फेसेस कितने होते हैं, टोटल 6. हर एक कंट्रीब्यूट कितना करता है, हाफ, इट विल गोइंग टू बी 3. तो अब आपका आंसर क्या आ गया, अगर आप पी क्यू आर का रेशियो निकालें 1:1:3, सो पी क्यू आर 3, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इट इज सो इजी. नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस. जो पोटेशियम है वो BCC में क्रिस्टलाइज किया गया है. कैलकुलेट द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम. अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो पोटेशियम है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज किया गया है, जिसमें कि आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है वो कैलकुलेट करने हैं, और पोटेशियम कितना दिया गया है, 2 ग्राम्स. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको दिया गया है जो पोटेशियम है, पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्रिस्टलाइज किया गया है. यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको निकालने हैं, और यहाँ पे जो पोटेशियम है वो कितना दिया गया है आपको, 2 ग्राम. दिया गया है. अब आपको इस 2 ग्राम के हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने हैं. अब देखिए, जैसा कि आपको पता है नंबर ऑफ एटम इन BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है. कॉर्नर पे होते हैं 8 और एक होता है बीच में, बट कॉर्नर वालों का इफेक्टिव नंबर कितना आता है, 1, और जो सेंटर है उसका भी इफेक्टिव कितना है, 1. सो 1+1=2. तो अब आपको पता है नंबर ऑफ एटम इन BCC यूनिट सेल कितने होते हैं, 2. ये तो फिक्स है, तो ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, हमेशा 2 ही रहते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. आपको निकालना है नंबर ऑफ यूनिट सेल किसके हिसाब से, जब आपको पोटेशियम कितना है, 2 ग्राम. अब आप देखिए कि आपका जब 1 मोल आप पोटेशियम लेते हो, 1 मोल पोटेशियम, 1 मोल पोटेशियम का मास कितना होता है, 39 ग्राम. और 1 मोल पोटेशियम में पोटेशियम के एटम्स कितने होते हैं, कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स. तो इट मींस 39 ग्राम जो आपका पोटेशियम है उसके अंदर एटम्स कितने हैं, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स भी है. अब आप देखिए आपको पोटेशियम कितना दिया गया है, 2 ग्राम. तो आप 2 ग्राम के हिसाब से एटम निकाल लीजिए. 39 में अगर इतने हैं तो 2 ग्राम में कितने एटम होंगे, कैलकुलेट कीजिए.
2 ग्राम में एटम्स कितने होंगे? 6.022 × 10⁻²³³ डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इतने एटम्स आपके पास आ जाएंगे। मतलब 2 ग्राम पोटेशियम जो है उसके पास टोटल एटम इतने हैं। अब आप देखो, आपको पता है कि जो एक बीसीसी यूनिट सेल है उसमें एटम कितने होते हैं? 2। तो एक यूनिट सेल कितने एटम कंटेन कर रहा है? 2। और आपके पास टोटल एटम कितने? इतने। अब आपको इसके हिसाब से यूनिट सेल निकालना है। अब आप देखिए, 1 BCC यूनिट सेल कंटेन 2 एटम, एक BCC यूनिट सेल के अंदर कुल 2 एटम होते हैं, और आपके पास अब एटम कितने? आपके पास एटम है इतने। तो आप देखिए, 6.022 × 10⁻²³ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 39, इतने एटम आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक यूनिट सेल में 2 एटम, तो एक एटम में यूनिट सेल कितना होगा? हाफ। देखो फिर से समझो, एक बीसीसी यूनिट सेल में एटम कितने हैं? 2 एटम। तो अगर मैं एक एटम के हिसाब से यूनिट सेल निकालने लग जाऊं तो कितना आएगा? हाफ यूनिट सेल। हाफ आएगा, नहीं आएगा। और आपके पास अब एटम कितने हैं? इतने, 6.022 × 10³³ मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 39। अगर इतने एटम हैं तो अब यूनिट सेल कितने होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि इतने यूनिट सेल अब आपके पास अवेलेबल होंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि जो पोटेशियम है उसको बीसीसी में क्रिस्टलाइज किया गया है, 2 ग्राम आपके पास पोटेशियम है, तो बताइए कि यूनिट सेल कितने होंगे। तो बस हमने क्या किया, हमें पता है 1 मोल पोटेशियम का मास कितना होता है? 39 ग्राम। हमेशा 1 मोल एटम कंटेन, 1 मोल कोई भी एलिमेंट एटम्स कितने कंटेन करता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो हमने 2 ग्राम के हिसाब से पहले निकाले कि हमारे पास इतने एटम्स अवेलेबल हैं, और हमें पता है कि एक बीसीसी यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, तो एक एटम में हाफ यूनिट सेल हुआ। तो अगर आपके पास टोटल एटम इतने हैं तो यूनिट सेल कितने होंगे? इतने। इज दैट क्लियर? तो अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस हैं आपने देख तो लिया ही है, आप साथ के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से भी सॉल्व कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस और भी जो आपके NCERT बुक्स में गिवन है उसको भी जो है ट्राई करिए, तो आई थिंक अब आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।